हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए देवी के दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि देवी इन दिनों में किस तरीके से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो नवरात्र के तीसरे दिन पर चलिए आपको लेकर चलते हैं कैथल के माता के मंदिर में, जहां पर विपिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, अगर कैथल में देवी के मंदिर में भक्तों की बात करें तो कितनी तादाद में कैथल में देवी की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं भक्त? कैथल के हम अगर बात करें, कैथल में शक्तिपीठ है, यहाँ पे दो मंदिर है, बड़ी देवी मंदिर और छोटी देवी मंदिर। ये जो कैथल का छोटी देवी मंदिर है, ये महाभारत कालीन महाभारत के समय का बना हुआ है। पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी, उसके बाद ये लोप हुआ। उसके बाद भाई उदय सिंह का जो किला यहाँ साथ ही में बना हुआ है, उनके स्वप्न में देवी आई थी और उन्होंने अपना स्थान बताया था, तो उन्होंने स्थान की जब खुदाई करवाई तो माता की प्रतिमा यहाँ से, स्वरूप यहाँ से निकला। उसके बाद यहाँ छोटी देवी मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया। अब ये छोटी देवी मंदिर, मनसा देवी का जो मंदिर है, नवरात्रों में यहाँ पे 6 से 7 घंटे की, सुबह सुबह 8-8 घंटे की लाइन लगती है, तब जाके माता के दर्शन होते हैं। और मैं अपने दर्शकों को सीधा दर्शन कराना चाहूंगा, थोड़ा सा एक बात आप सामने सीधे दर्शन कर सकते हैं माता के। तो हरियाणा न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि अच्छा छोटी देवी मंदिर मां मनसा देवी का आप सीधे भी दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे आने वाले बड़े दूर दूर से लोग बाहर से भी आते हैं, आने वाले की हर मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें विपिन, जैसा कि आम दिनों में नवरात्रों में मंदिरों में काफी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, अब जिस तरह का माहौल है कोरोना के चलते, क्या अभी भी मंदिरों में उतनी तादाद नजर आती है जैसी हमेशा नजर आया करती थी? नहीं, देखिए कोरोना का थोड़ा इफेक्ट तो मैं कह सकता हूँ कि उतनी तादाद नहीं है जिस तरीके से पहले लोग आया करते थे। इन मंदिरों में सफाई का पूरा इंतजाम है, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम है और लोग मंदिर में सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, थोड़े गैप पे लोग आ रहे हैं, कोरोना से बचाव कर रहे हैं। और मंदिर के जो लोग हैं वो भी इसके लिए उनको लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें और भीड़ भाड़ ना करें। जी बिल्कुल। विपिन, आपके इर्द गिर्द हम काफी माता के भक्त भी देख सकते हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए और बता पाए कि कितना उत्साह नवरात्रों के दिनों में वो इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। कितना उत्साह है, कितना उमंग आप लोगों ने नवरात्रों में देवी के मंदिर में। मैया के नवरात्र आए हैं, बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आए हमारे मन में, तो मैया के प्रति बहुत श्रद्धा बहुत भावना है। मैया सबका कल्याण करे, सबका भला करे। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम पहले नवरात्र से आ रहे हैं जी। आपको बता दें कि पहले नवरात्र से ही सुबह सुबह लोग आना शुरू हो जाते हैं और पूरे नवरात्र, कुछ लोग हैं पूरे नवरात्र ही मैया के मंदिर के आके दर्शन करते हैं। मैं मंदिर के पुजारी जी से यह बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं कैमरा आगे लेके आ रहा हूँ जी, थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं। देखिए ये जो मंदिर है, वैसे तो महाभारत कालीन मंदिर है, महाभारत काल समय के कपिस्थल के दो मंदिरों के देवी के नाम आते हैं, एक चर्चिका देवी और एक चंडी देवी। महाभारत काल में इस मंदिर का नाम चंडी देवी रहा है और उसके बाद जब हमारे हिंदुस्तान में पठानों का जब राज हुआ तो इस मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया गया, अस्त व्यस्त करने के कारण यह मंदिर लुप्त हो गया। फिर भाई देसु सिंह का जब राज्य आया, उदय सिंह के पिता का जब यहाँ पे राज्य आया, तो उसके स्वप्न में महारानी ने इस दर्शन दिए कि देवी ने बोला कि बेटा मेरा यहाँ पे स्थान है, माता रानी का स्थान है यहाँ पे दबा हुआ। तब यहाँ पे राजा ने यहाँ पे खोज करवाया, सर्च करवाया, तो महारानी का स्वरूप यहाँ नीचे निकला धरती के नीचे। तो यहाँ पे आज भी ये मंदिर गहराई में ही है, कम से कम 7-8 फीट गहरा था ये मंदिर, थोड़ा सा उठा दिया गया समय के अनुसार। और फिर इसका भाई उदय सिंह के समय से ही कपिस्थल के जो भगत हैं मंदिर में मत्था टेकते आ रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते आ रहे हैं, नारियल की भेंट देकर अपनी मनोकामनाओं को विशेष रूप से पूर्ण करते हैं भगत यहाँ पर। और सप्तमी के दिन भारी संख्या में लोग अपनी मन्नतों को मानते हैं, महाकाल रात्रि का पूजन अर्चन करते हैं और अष्टमी के दिन नवकन्याओं का, अष्टकन्याओं का पूजन अर्चन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और उसके बाद इस मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ 1956 में, पुनः पंडित ओमकारनाथ भारद्वाज जी ने शहर के भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का पुनः निर्माण किया।
अब इसका भव्य निर्माण हो रहा है, चल रहा है, सभी भगत अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पर महारानी सबके कष्टों को हरती है। यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावभवेत्। हमारे सनातन धर्म में सभी के सुख के लिए, सभी के कष्टों के लिए निवारण किया जाता है। जय माता दी। जी, आपने देखा कि हमने सीधे माता के दर्शन करवा रहे हैं अपने दर्शकों को, लाइव हरियाणा न्यूज के दर्शन जी, जी बिल्कुल। वाकई विपिन, ये उन भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला नजारा है। नवरात्रों में जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के चलते, उनको सीधा दर्शन हम करवाते हैं इस वक्त। और हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं कालावली से। विपिन, आप भी हमारे साथ बने रहिए, जगदीश का भी रुख करेंगे। जगदीश, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है, वो भी एक बार बताएं। जी नंदनी, इस वक्त मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूँ। इस मंदिर का इतिहास है कि 200 साल जो पुराना जो मंदिर है, अगर ज्वाला जी की ज्योति की बात करें तो ज्वाला जी की ज्योति से पहले की ज्योति जहाँ पर लाई गई है, और जो ज्योति दिन रात 24 घंटे 20 सालों से लगातार चल रही है। और अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर भक्तों का मानना है कि मंदिर में अगर कोई भी मन्नत अगर मन से मानी जाए तो माता के दरबार में उनकी पूरी जो मन्नत है वो पूरी होती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही और महत्वपूर्ण बात कही कि नवरात्रों के दिनों में वाकई पूरे श्रद्धा भाव से जो भक्त माता की सेवा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके अलावा जगदीश, अगर आने वाले भक्तों की मैं बात करूं तो कितने भक्त इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, अगर आम दिनों के नवरात्रों में और अभी के नवरात्रों में देखा जाए तो कितनी कमी भक्तों में नजर आ रही है, भक्तों की संख्या में नजर आ रही है? जी नंदनी, अगर कालावली की मंदिर की बात करें तो कालावली मंदिर के कमेटी के सदस्यों के द्वारा एक प्रचार जो पहले ही शुरू कर दिया था कि मंदिर में जो भीड़ है वो ज्यादा न होने दी जाए। सुबह 4 बजे जो मंदिर के द्वार है वो खोल दिए जाते हैं, 4 बजे से लोग जो आना शुरू हो जाते हैं। और खास मंदिर के प्रबंधकों की खास बात यह देखने को मिली कि लोगों को कहा जा रहा था, बार बार प्रचार किया जा रहा है कि मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करें। कालावली में एक बात देखने को मिली है कि भक्त जो भी आ रहे हैं वो मास्क लगाकर आ रहे हैं और सैनिटाइज का प्रयोग जो मंदिर की कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है। भले ही कोरोना के भय से लोगों को थोड़ा सा ये डर तो है कि अगर मंदिरों में भीड़ होगी तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन कालावली जो मंदिरों की कमेटी है वो इस तरह के प्रचार कर रही है और लोगों में जो जागरूकता का काम है वो कर रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, विपिन भी लगातार हमारे साथ कैथल से मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे एक बार। विपिन, अगर बात करें आप जहां पर मौजूद हैं जिस मंदिर में इस वक्त, क्या वहां पर भी ऐसा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग बिल्कुल मास्क में आए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है कोरोना को लेकर? विपिन, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए अब बात करेंगे जगदीश से ही, क्योंकि विपिन से हमारा संपर्क टूट गया है। जगदीश लगातार हमारे साथ हैं। जगदीश, अगर बात करें मंदिर में आने वाले भक्तों की, तो कितनी उत्सुकता देखी जा सकती है भक्तों में, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बढ़ते लॉकडाउन के बाद त्योहारों के सीजन में जो अलग उत्सुकता लोगों के अंदर आई है वो देखते ही बन रही है, और लोग बेहद खुश है कि लंबे वक्त बाद कुछ अच्छा हुआ है, त्योहार आए हैं। जी बिल्कुल नंदनी, अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों में उत्साह है कि कोरोना काल के चलते जो मंदिर अब मंदिर है जो खोल दिए गए हैं, नवरात्रों का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से अगर मनाया जा रहा है, लोगों में खुशी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो भक्त है वह खुशी से झूम रहे हैं, माता का जो दरबार है वह भव्य सजाया गया है, भजनों से जो भजन कीर्तन जो जा रहे हैं। आप मेरे साथ में कुछ जो दर्शक हैं, जो हम कहेंगे कि भक्त हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं नंदनी, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से क्या खुश है नवरात्रों को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। आप मंदिर में आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो कि नवरात्रों के दौरान जो मंदिर है वो खोल दिए गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि नवरात्रों में माँ के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ साय को 7 बजे आरती होती है, बहुत उसमें मन लगता है, काफ़ी श्रद्धालु उसमें आते हैं आरती में। मंदिर के जो पुजारी हैं वो और हम सब लोग मिलके यही दुआ करते हैं कि महामारी जो आजकल
कोरोना का समय चल रहा है उसको निजात दें। क्या मंदिर की कमेटी की ओर से सोशल डिस्टेंस मास्क का जो ध्यान है वो लोगों को करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हर रोज हम यही बोलते हैं, यहाँ आते हैं यहाँ सैनिटाइजर का बंद होता है उसको सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिए। नंदी, आपने देखा कि भक्तों के द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो है जो किया जा रहा है, भक्तों में खुशी है वह देखने को जरूर मिल रही है कि बिल्कुल लंबे वक्त बाद एक तरीके से कहा जाए कि खुशियों के कुछ पल मिले हैं भक्तों को त्योहारों के रूप में, तो जाहिर तौर पर खुशी उनके चेहरों पर भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदीश कालावाली से, और हमारे साथ विपिन जुड़े कैथल से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नवरात्रों के इस खास बुलेटिन में। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है देवी का चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है, और माता के इन दिनों में जिस तरीके का उत्साह, जिस तरह की खुशी भक्तों में देखने को मिल रही है वो वाकई ये बताने वाली है कि किस तरीके से एक लंबे वक्त बाद खुशियां आई हैं, और ऐसे में लोग पूरी खुशी के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ नवरात्रों के इन दिनों को मना रहे हैं। हमारे साथ रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, इस वक्त किस मंदिर में आप हैं, और यहाँ के मंदिर की, जैसे कि हर मंदिर का अपना एक इतिहास होता है, उस मंदिर का इतिहास बताएं, और किस तरह की तस्वीर अपने आसपास देख सकते हैं, कितनी तादाद में भक्त पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय झज्जर के बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में खड़ा हूं, और ये मंदिर की बात करें तो ये काफी पुराना मंदिर है और चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ के पंडितों से मैं आपको बात कराता हूँ, इनका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के पंडित हमारे साथ हैं, साथ ही कोरोना के चलते हुए आज तीसरा नवरात्र है, माँ चंद्रघंटा का ये दिन है, चंद्रघंटा का, इस वजह से आज इसकी मान्यता है कि यहाँ पर असुरों का संहार करने के लिए इस माँ ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैं मंदिर के पुजारी से बात कराता हूँ। प्रसाद गिरी मंदिर की बात करें तो कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है इसकी? माना प्रसाद गिरी मंदिर की मान्यता कम से कम चार सौ से पुराना मंदिर है जी। और ये बड़ा स्थान जी, दूसरों से लोग यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं जी। और बाबा यहाँ एक बिरला नाम की ही श्री बाबा के सेवा के लिए प्रसिद्ध आया करते थे जी। उसका पति गुजर गया था जी, बाबा ने उस पति को उससे जिंदा किया, तब से बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है, लोग आते हैं बाबा के दर्शनों के लिए जी। नंदिनी ये बताते हैं कि पिछले 500 सालों से भी ज्यादा ये पुराना ये मंदिर है, इनकी भक्त थी बिमला, उनके पति यहाँ पर मर चुके थे और उनको उस बाबा ने जिंदा करा, उसके बाद से ये मंदिर की स्थापना हुई और ये पिछले 500 साल से ये चमत्कारिक मंदिर है। झज्जर के मेन पॉइंट पर स्थित है, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। जैसा कि मंदिर ने जो गाइडलाइन दी थी कि चेहरे पर मास्क होना चाहिए, यहाँ पर सैनिटाइज के लिए मशीन भी लगाई हुई है, और कम लोग यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ पर हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो गाइडलाइन दी गई है उससे उसका ही पालन करा जा रहा है। ठीक है, श्रद्धा जरूर है, लेकिन उसके लिए हमें इस बीमारी से भी बचना होगा। आंटी, आप यहाँ पहुंचे हो, मास्क लगाया रखा है, तो आज फास्ट भी है आपका जी? नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं एक और है घर से हूँ जनाब, हम भी पहुँचे हैं, तीसरा नवरात्रा है, लेकिन इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप लोग ध्यान रखते हैं। बताएं आपको नवरात्र के बारे में। कुछ लोग जो सोमवार है तो सोमवार के बच्चे हैं नवरात्र के दिन है, और कुछ और लोग हैं जो भक्त हैं, उनसे बात कराता हूँ। अभी मंदिर में पूजा करने पहुँचे हैं आप? अच्छा, नवरात्र है, तीसरा नवरात्र कर रहे हैं आप या सोमवार का पूजा करें? नवरात्र की पूजा करें। अच्छा, तो चेहरे पर मास्क क्या लगाया गया? चेहरे पर मास्क इसलिए लगाया गया है कि कोरोना से महामारी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बचाव भी बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, यहाँ पर ये मशीन भी लगाई गई है जिससे कहीं ना कहीं आपको हैंड सैनिटाइजर भी किया जा सके। तो मंदिर बिल्कुल मशीन लगाई गई है, चेहरे पर मास्क होना चाहिए ताकि
सैनिटाइजेशन का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है मंदिर में, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। आपके पीछे जो तस्वीरें वो देखी जा सकती हैं। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुरुक्षेत्र चलेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ भरत सावरी जुड़ गए हैं। भरत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या मान्यता जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं उस मंदिर की? इस समय हम इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। ये श्री देवी को भद्रकाली मंदिर जो है उसके नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ जब जो सती थी उनका दाया टखना जो है यहाँ गिरा था। और दूसरी बड़ी बात जो इसकी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है, उसके हिसाब से कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो मुंडन था वो इसी स्थान पर हुआ था। और मंदिर जो है वो आप देख सकते हैं, और आज भी वो चिन्ह जो है वो मौजूद हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण का जो मुंडन था वो यहाँ हुआ था। और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है इस मंदिर को माना जाता है। जी बिल्कुल भरत, अगर बात करें यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की, तो सबसे पहले ये बताएं कि मंदिर में किस तरह की एहतियात बरती जा रही है कोरोना के मद्देनजर? क्या यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं भक्त, और सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल रखा जा रहा है? देखिए नंदनी, अगर बात करें इस बार की, तो जैसे पहले नवरात्र आते थे तो इस मंदिर में पांव तक रखने की जगह नहीं होती थी। हाल फिलहाल तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है मंदिर में आ रहे हैं और जो माता का दर्शन कर रहे हैं। पर भीड़ की अगर बात करें तो मंदिर में जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से भीड़ को मैनेज किया हुआ है, और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और मंदिर के द्वारा भी समय समय पर जो है लोगों को सूचना दी जा रही है, और भीड़ भाड़ जो है वो मंदिर में इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है, और बिना मास्क के मंदिर के अंदर किसी को एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मंदिर प्रशासन जो है वो कोरोना काल में कोरोना को लेकर पूरी तरह चिंतित है और सतर्क नजर आ रहा है। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए, और सीधी तस्वीरें देवी के मंदिर से दिखाने के लिए। ये कार्यक्रम उन भक्तों के लिए स्पेशली है जो भक्त कोरोना के चलते अपने घरों से निकलकर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं। अलग अलग स्थानों के आपने देवी के मंदिरों के दर्शन करे हैं, और ये उन तमाम शहरों के प्रसिद्ध देवी के मंदिर हैं जहां पर भारी संख्या में लोग हर साल नवरात्रों पर जाते हुए नजर आते हैं, और अभी भी कुछ हद तक काफी लोग पहुंच रहे हैं, देवी के दर्शन जरूर कर रहे हैं, और काफी खुशी भक्तों के चेहरों पर भी नजर आ रही है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।